हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने किया था कर्सर्स इन जावा। ओके, तो टोटल कितने कर्सर्स होते हैं? मैंने बताया था कितने होते हैं, डेट इज 3 कर्सर्स। कौन कौन से? लिस्ट आइटरेटर, आइटरेटर एंड एन्यूमरेशन। ओके, और लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने कर लिया था डिफरेंस बिटवीन आइटरेटर एंड लिस्ट आइटरेटर। ओके, अब बचा एन्यूमरेशन कर्सर। ओके, तो एन्यूमरेशन कर्सर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है? ओके, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। ओके, तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एन्यूमरेशन। तो सबसे पहले तो एन्यूमरेशन होता क्या है? सिंपल है, एन्यूमरेशन क्या होता है? एन्यूमरेशन इज ऑल्सो द कर्सर। एन्यूमरेशन भी कर्सर होता है जिसके थ्रू हम लोग कलेक्शन ऑब्जेक्ट से एक एक करके एलिमेंट्स को रिट्रीव करवा सकते हैं। ओके, जैसे लिस्ट आइटरेटर आइटरेटर के अंदर था कि एक एक करके हम लोग एलिमेंट्स को रिट्रीव करवा सकते हैं, सेम टू सेम एन्यूमरेशन, सेम टू सेम एन्यूमरेशन से भी हम लोग एक एक करके एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो ये तो फर्स्ट पॉइंट आप एन्यूमरेशन का लिखी दोगे, सिंपल है। क्या फर्स्ट पॉइंट है? दैट इज एन्यूमरेशन इज द कर्सर विच is used to retrieve collection objects one by one। okay, जिसके थ्रू हम लोग एक एक करके कलेक्शन ऑब्जेक्ट से एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और इसके अंदर एक पॉइंट का और ध्यान रखना, डेट इज एन्यूमरेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन JDK 1.0 वर्जन। क्लियर है चीज? एन्यूमरेशन जो है वो JDK 1.0 वर्जन के अंदर ही आ गया था। ओके, बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि एन्यूमरेशन जो है वो किसके साथ यूज हो सकता है? वो सिर्फ लीगेसी क्लासेस के लिए यूज हो सकता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एन्यूमरेशन कर्सर कैन बी यूज्ड ओनली विद लीगेसी क्लास। क्लियर है चीज यहाँ पर? ओके, लीगेसी क्लासेस कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, वो चीज मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। लीगेसी क्लास कौन कौन सी होती है? लीगेसी क्लासेस डेट इज वेक्टर एंड स्टैक। क्लियर है चीज यहाँ पर? तो ध्यान रखना है, एन्यूमरेशन जो है वो सिर्फ लीगेसी क्लासेस के लिए, डेट इज सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एंड स्टैक के लिए ही यूज हो सकता है। क्लियर है चीज सबको? ओके, सिंपल है। जबकि अगर हम लोग बात करें किस चीज की, डेट इज लिस्ट आइटरेटर एंड आइटरेटर की। लिस्ट आइटरेटर एंड आइटरेटर दोनों जो हैं वो किस चीज के लिए यूज हो सकते हैं? आइटरेटर तो किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो सकता है, इवन वेक्टर एंड स्टैक के लिए भी यूज हो सकता है। जबकि लिस्ट आइटरेटर जो है वो सिर्फ लिस्ट इंप्लीमेंटेड क्लासेस के लिए यूज होता है। ओके, तीनों में डिफरेंस भी आप लोग इस टाइप से बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, वन मिनट जरा मैं यहाँ पर सही ढंग से लिख देता हूँ, डेट इज कर्सर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एन्यूमरेशन कर्सर हम लोग गेट किस टाइप से करवा सकते हैं। हाँ जी, एन्यूमरेशन कर्सर कैन बी गेट बाई एलिमेंट्स मेथड। क्लियर है चीज सबको? ओके, एलिमेंट्स मेथड, तो ये चीज का ध्यान रखना, वेक्टर एंड स्टैक में एक मेथड होता है, कौन सा? एलिमेंट्स का। ओके, तो उस एलिमेंट्स मेथड के थ्रू हम लोग एन्यूमरेशन कर्सर गेट करवा सकते हैं। क्लियर है चीज? फॉर एग्जांपल ये क्या है, वेक्टर का कोई भी रेफरेंस है, वी डॉट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नेम का मेथड है, और ये एलिमेंट्स मेथड ये एन्यूमरेशन कर्सर जो है वो चीज गेट करवा देगा। क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना, एलिमेंट्स मेथड जो है वो चीज यूज होता है। ओके, किसके अंदर होता है? वेक्टर एंड स्टैक के अंदर, ध्यान रखना ये चीज। ओके, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, डेट इज मेथड्स ऑफ एन्यूमरेशन कर्सर आर, कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास? हाँ जी, डेट इज हैज मोर एलिमेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट एलिमेंट। क्लियर है चीज? तो ये दो मेन मेथड होते हैं किसके अंदर? एन्यूमरेशन कर्सर के अंदर। क्लियर है पॉइंट सबको? तो एन्यूमरेशन कर्सर जो है वो हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एलिमेंट्स को रिट्रीव करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट का और लिख सकते हैं हम लोग, डेट इज एन्यूमरेशन कर्सर कैन बी यूज्ड टू रिट्रीव द एलिमेंट्स
ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है पॉइंट सबको? तो एलिमेंट्स एनुमरेशन कर्सर के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही रिट्रीव कर सकते हैं। क्लियर है चीज सबको? और यहां से एक बात और मुझे पता चल गई कि एनुमरेशन कर्सर जो है वो सिर्फ रीड ऑपरेशन के लिए ही यूज हो सकता है। एलिमेंट्स ना तो वो रिमूव कर सकता है, ना ही वो एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकता है, ऐड करवा सकता है। ओके, तो यहां पर एक पॉइंट का और हम लोग यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, दैट इज एन्यूमरेशन कर्सर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रीड ऑपरेशंस। क्लियर है चीज सबको? ओके, एन्यूमरेशन कर्सर जो है वो सिर्फ रीड ऑपरेशंस के लिए ही यूज हो सकता है। क्लियर है चीज? तो ये पॉइंट्स हैं जो एन्यूमरेशन के लिए आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले तो एन्यूमरेशन को मैं एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं आप लोगों को। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने नेटबीन्स ओपन कर दिया है और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ, डेट इस कर्सर्स डेमो 2 के नेम से मैंने यहाँ पर बना दिया। ओके, एंड देन मेन क्लास मैं अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फिनिश मैंने कर दिया। ओके, और यहाँ पर जाकर मैं एक डेमो नेम का पैकेज या फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पर टेस्ट नेम की क्लास क्रिएट कर देता हूँ। ओके, कुछ भी टेस्ट क्लास, ठीक है, टेस्ट क्लास हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। कमेंट्स मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखो क्या बताया था कि एन्यूमरेशन हम लोग किस केस में यूज़ कर सकते हैं, ओनली इन केस ऑफ वेक्टर एंड स्टैक। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सिंपल वेक्टर का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ, वेक्टर v इक्वल्स टू न्यू वेक्टर। ओके, ये लो जी, और यहाँ पर मैंने कर दिया v डॉट एड, फॉर एग्जांपल मैंने 10 ऐड कर दिया, देन v डॉट एड यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने दीपक ऐड कर दिया, एंड v डॉट एड फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे 15.2 कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पर ऐड कर दो, कोई इशू नहीं है। क्लियर है चीज? अच्छा, डायरेक्टली अगर हम लोग वैल्यूज प्रिंट करेंगे वो तो वही है, सेम पार्ट है, वो क्या काम करेगा, सारी की सारी वैल्यूज, सारे के सारे एलिमेंट्स वो प्रिंट कर देगा। ये देखो, वो क्या काम करेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स वो प्रिंट करवा देगा। ओके, बट मुझे क्या काम करना है, मुझे एक एक करके एलिमेंट्स को रिट्रीव करना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हाँ जी, हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कर्सर्स का। ओके, अच्छा, कर्सर्स 3 टाइप्स के होते हैं, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आइट्रेटर, लिस्ट आइट्रेटर एंड एन्यूमरेशन। ओके, आइट्रेटर वो तो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, डेट इज वी डॉट आइट्रेटर। ये देखो, मतलब वेक्टर के अंदर आइट्रेटर वाला कर्सर भी आ जाएगा। ओके, आइट्रेटर मेथड है, वेक्टर के अंदर आइट्रेटर मेथड है जो आइट्रेटर का कर्सर रिटर्न करवा देगा। वेक्टर के अंदर लिस्ट आइट्रेटर नेम का मेथड भी है जो लिस्ट आइट्रेटर का रेफरेंस रिटर्न कर देगा, या फिर आप बोल सकते हो कि लिस्ट आइट्रेटर का कर्सर रिटर्न कर देगा। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है, डेट इज एलिमेंट्स, जो किस चीज का कर्सर रिटर्न करवाएगा, एन्यूमरेशन का। तो ये लो जी, यहां पर एलिमेंट्स कर दिया एंड एन्यूमरेशन हम लोगों ने यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट कर दिया, बाकी सब कुछ वही है। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग मेथड्स देख लें एक बार एन्यूमरेशन के। तो ये देखो, सिर्फ दो ही मेन मेथड हैं, कौन कौन से, हैज मोर एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट एलिमेंट, बाकी मेथड जो हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास के हैं। ओके, हैज मोर एलिमेंट्स जो किस में वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, बूलियन में, नेक्स्ट एलिमेंट जो किस में वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, ऑब्जेक्ट में। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, कोई इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है। जैसे हम लोग अगर बात करें आइट्रेटर की, तो आइट्रेटर के अंदर तो हैज नेक्स्ट मेथड था एंड नेक्स्ट नेम का मेथड था। ओके, इसके अलावा रिमूव नेम का मेथड था। जबकि लिस्ट आइट्रेटर की बात करें तो उसके अंदर हैज नेक्स्ट, हैज प्रीवियस, देन नेक्स्ट मेथड था, देन प्रीवियस मेथड भी था। ओके, देन उसके अलावा ऐड मेथड भी था, सेट मेथड भी था, रिमूव मेथड भी था, तो उसके अंदर काफी सारे मेथड आ गए। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ दो ही मेथड्स है, हैज मोर एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट एलिमेंट।
इनकी वर्किंग वही है, सेम है जैसे मैंने लास्ट टाइम उनकी बताई थी। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम लोग इसको वाइल के अंदर कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा दूंगा। तो सिंपल है भाई, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वाइल ई डॉट हैज़ मोर एलिमेंट्स, ओके। और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज ई डॉट एलिमेंट्स, क्लियर है जिस ई डॉट सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट ही डॉट नेक्स्ट एलिमेंट मेथड का यूज कर दिया, डेट सेट क्लियर है जिस। अब आप रन करके देखो, ये देखो वो यहाँ पर क्या काम करेगा, ये देखो वो यहाँ पर एक एक करके एलिमेंट्स को रिट्रीव कर देगा, डेट सेट क्लियर है जिस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एन्यूमरेशन का, एन्यूमरेशन भी एक कर्सर है, एन्यूमरेशन कर्सर है जिसके थ्रू हम लोग अगेन एक एक करके कलेक्शन से हम लोग एलिमेंट्स को रिट्रीव करवा सकते हैं। बट ये जो है ये सिर्फ लीगेसी क्लासेस के लिए बनाया गया था जो कि पुराने वर्जन वाली क्लासेस थी, ओके। जैसे वेक्टर एंड स्टैक हो गया, सिर्फ उन्हीं के लिए ये यूज़ हो सकता है, उसके अलावा ये किसी और के लिए यूज़ नहीं हो सकता। जैसे एरे लिस्ट हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, या फिर जैसे सेट से रिलेटेड क्लासेज आ गई, सेट की इम्प्लीमेंटेड क्लासेज आ गई, उनके लिए यूज़ नहीं हो सकता, ओके। तो सिंपल ये था एन्यूमरेशन जो कि अब बहुत रेयरली ही यूज़ होता है, बट एटलीस्ट आप लोगों को इतना पार्ट पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं। दो मेन मेथड है, हैज़ मोर एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट एलिमेंट, डेट सेट। और वर्किंग वही है, सेम टू सेम वर्किंग है जैसे आइट्रेटर या फिर लिस्ट आइट्रेटर की वर्किंग थी, वैसे ही ये इंटरनली काम करेगा, क्लियर है जी सबको। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये प्रोग्राम एक बार आप लोगों को प्रैक्टिकली करके देखना है, ओके। सो आई होप आप लोगों को एन्यूमरेशन कर्सर समझ में आ गया होगा, ओके। एन्यूमरेशन कर्सर्स की लिमिटेशंस होती हैं, ये चीज का ध्यान रखना। लिमिटेशंस क्या होती है कि एन्यूमरेशन कर्सर जो है वो सिर्फ वेक्टर एंड स्टैक दैट इज लीगेसी क्लासेस के लिए ही यूज हो सकता और किसी के लिए यूज नहीं हो सकता, ओके। सेकेंड थिंग, एन्यूमरेशन कर्सर जो है वो सिर्फ रीड ऑपरेशंस के लिए ही यूज हो सकता है। रीड के अलावा अगर आप रिप्लेस करवाते हो, रिमूव करवाते हो, ऐड करवाते हो, तो उसके लिए एन्यूमरेशन कर्सर जो है वो यूज नहीं हो सकता, क्लियर है पॉइंट सबको। एंड लास्ट पार्ट के एन्यूमरेशन कर्सर के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही रिट्रीव करवा सकते हैं, एलिमेंट्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग रिट्रीव नहीं करवा सकते, क्लियर है। So, ये आप लोगों को limitations भी हैं जो ध्यान रखनी है, okay? Enumeration cursor क्या होता है ये भी चीज पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। Enumeration cursor के limitations क्या है, disadvantages क्या है, क्यों enumeration cursor हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, ये चीज भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ओके। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।